Hello student, welcome at quantaptree.com. Today we are going to learn the basic behind the indices and certs. So first of all, indices. So what does mean by indices? Iska matlab kya hota hai? Like agar hum baat kare, jaise dekhiye ki if a number a number hai hamare paas, so I added the number in थ्री टाइम, अगर मैं इसे थ्री टाइम ऐड करता हूँ ए प्लस ए प्लस ए, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, दैट इज थ्री ए. ओके, सो इंसिस्ट ऑफ एडिंग, इफ आई मल्टीप्लाई द थ्री नंबर लाइक दिस इटसेल्फ, देन द आंसर इज ए क्यूब. अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो आएगा थ्री ए. अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ए क्यूब. सो मैं ये कह सकता हूँ कि a is expressed as an exponent, here a is called the base and 3 is called the power or index of exponent, power or index of exponent. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने किसी भी टर्म को a को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई किया a into a into a, then I'll get the result a cube, and the whole result is known as the exponent. In the exponent, a is the base and power 3 is the index, or we can say indices. तो ये जो power 3 है ये index है हमारी. Okay, similarly अगर a को मैं n time multiply करूँगा, like a into a into a into a and so on into ए एन तक अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, तब मेरे पास रिजल्ट आएगा ए रेज टू पावर एन, वेयर ए रेज टू पावर एन इज एन एक्सपोनेंट. ओके, दिस इज रीड, इसे हम किस तरीके से पढ़ेंगे, रिमेंबर ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन और ए रेज टू द पावर. This is the actual pronunciation, okay? A to the power n, या फिर a raised to the power n. Remember, इस चीज़ को इस तरीके से याद रखना, okay? So, for example, index के जो examples हैं वो हमारे इस तरीके से हो सकते हैं, like 2 into 2 into 2 into 2 is equal to 2 raised to power 4. This is 2 raised to the power 4. And what is the value of 2 raised to the power 4 is 16. ओके, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 2 to the power 4, 2 to the power 4 या 2 raised to the power 4. ओके, सो इस तरीके से हम अगर इन एग्जांपल्स को पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के अंदर भी लिख सकते हैं. जो पावर है, ये जो पावर है, पावर और वी कैन से द इंडेक्स, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? तो जो पावर कैन ऑल्सो भी नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन के अंदर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इंटीजर्स ही हो ओनली, इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स और फ्रैक्शन. फ्रैक्शन का मतलब फ्रैक्शनल इंटीजर्स. फ्रैक्शनल इंटीजर्स का मतलब होता है जैसे माइनस 8/5, ये फ्रैक्शनल इंटीजर्स है. इस तरीके से कोई सा भी इंटीजर आपके पास हो सकता है, ठीक है? सो इन नंबर्स के साथ हम डील करेंगे इस सेक्शन के अंदर. अगर सपोज करो एक नंबर है मेरे पास, उसकी पावर है और उसकी फर्दर पावर है, तब हम उसे ऐसे पढ़ेंगे a रेज टू द पावर m हुज रेज टू द पावर n. लाइक एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ मेरे पास एक बेस है नंबर m a, उसकी पावर m है और उसकी होल पावर अगर n हो, तो इसे हम ऐसे पढ़ेंगे a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर होल रेज टू द पावर n. समझ में आया कि a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर एन, इस तरीके से पढ़ेंगे इसे. क्लियर है कि ए की पावर एम है और उसकी होल की पावर अगर एन हो तो उसे इस तरीके से पढ़ा जाएगा. देन द नंबर इन साइड द ब्रैकेट इज एवेल्यूटेड फर्स्ट, इसे पहले एवेल्यूट करेंगे
और ये जो नंबर आएगा इसकी पावर n को बाद में एवेल्यूएट करेंगे, ओके ठीक है। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2 raised to power 3 होल रेज टू पावर 2, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, पहले किसको एवेल्यूएट करेंगे, 2 raised to power 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 raised to power 3 इज 8 एंड 8 raised to power 2 इज 64, इस तरीके से एवेल्यूएट करेंगे इसे, ओके। तो इफ़ वी हैव पावर्स इन मैनर्स ऑफ स्टेप्स, अगर स्टेप्स हो फिर इसकी फर्दर पावर हो, फिर इसकी फर्दर पावर हो, फिर इसकी फर्दर पावर हो, तो हमें ईच स्टेप को सॉल्व करना है, ठीक है। देन सच अ नंबर इज एवेल्यूएटेड बाय स्टार्टिंग एट द टॉप मोस्ट ऑफ द स्टेप एंड कमिंग डाउन वन स्टेप इन ईच टॉपिक, ओके। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, तब आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर जो रिमेनिंग पार्ट है उसे सॉल्व करोगे। और जो नेक्स्ट टाइप है वो ये है, लाइक अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है इस तरीके से 2 raised to power 3 raised to power 3, अगर इस तरीके से आ रहा है जिसके अंदर पावर की पावर है, अब इसमें पावर की पावर नहीं है, इसमें 2 raised to power 3 होल रेज टू पावर 2 है, तब हमने क्या किया, पहले 2 raised to power 3 को सॉल्व किया 8, होल रेज टू पावर 2 को बाद में सॉल्व किया तो 64 आया। अगर सपोज करो आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से रहे कि 2 raised to power 3 raised to power 3, अगर स्टेप्स के अंदर पावर इंक्रीज हो रही है, तब आप पहले क्या करोगे, टॉप मोस्ट, रिमेंबर दैट इन दैट केस यू हैव टू एवेल्यूएट द नंबर बाय स्टार्टिंग एट द टॉप मोस्ट, स्टार्टिंग एट द टॉप मोस्ट ऑफ द स्टेप्स एंड कमिंग डाउन वन स्टेप, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, टॉप से स्टार्ट करेंगे और बेस तक लेके आएंगे उसे, ठीक है, इन ईच क्वेश्चन। अब जिस जैसे ये क्वेश्चन है 2 raised to power 3 raised to power 3, तो इसे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले टॉप मोस्ट लेवल कौन सा है, लेवल 3, सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे 3 raised to power 3 को, और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे 2 raised to power जो रिजल्ट आएगा उसे, तो 3 raised to power 3 फिर 2 raised to power उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, ओके, जो लॉज है उसके लिए यहाँ से स्पेस ले लेते हैं हम। सो फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड अगर हमने क्वेश्चन देखा 2 raised to power 3 raised to power 3, तो सबसे पहले जो ऊपर वाली लेयर है उसे सॉल्व करेंगे, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 raised to power 3, यस दैट इज 27, 3 into 3 is 9, 9 into 3 is 27, एंड नेक्स्ट इज 2 raised to power 27, दिस इज़ द आंसर, ओके। तो इस तरीके से ऊपर से सॉल्व करता जाना है, टॉपवर्ड से और डाउनवर्ड तक आता है। लाइक अब इसे हम कैसे लिखेंगे 2 raised to power 3 raised to power 3 को, इसे हम ऐसे पढ़ेंगे दैट 2 raised to the power 3 raised to 3, इस तरीके से, ठीक है। सो देर आर लॉज ऑफ इंडाइसेस, किस तरीके से लॉ होते हैं याद रखना, द फर्स्ट रूल, इसे रूल या लॉ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम, और ये इसके एग्जांपल यहाँ पे अब एग्जांपल के साथ इसे डिफाइन करेंगे। सो फर्स्ट रूल इज़ a raised to power m into a raised to power n, अगर आपके पास बेस हो सेम और पावर डिफरेंट हो, लाइक इस तरीके से m a की पावर m और ए की पावर n और मल्टीप्लीकेशन हो, तब आप बेस सेम रखोगे और पावर ऐड हो जाएगी am+n। लाइक अगर मैं बात करूँ 5 की पावर 2 5 की पावर 7, देन 5 इज बेस इज सेम एंड द पावर एड अप 7+2 इज 9। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n, देन रिजल्ट a रेज टू पावर m माइनस n। अगर डिवीजन के अंदर है एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो आप उसे लिख सकते हो बेस सेम
पावर जो है वो माइनस में चली जाएगी. लाइक एग्जांपल इसका, इफ 7 raised to power 5 अपॉन 7 raised to power 3, देन व्हाट इज़ द वैल्यू 7 raised to power 5 minus 3, 7 raised to power 2 और 49. थर्ड लॉ ये मैंने अभी बता ही दिया, इफ़ ए रेज टू पावर एम होल रेज टू पावर एन, देन वी कैन से ए रेज टू पावर एम एन. इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, होल रेज टू पावर होगा तब मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, अगर ऐसे क्वेश्चन रहेगा तब पावर मल्टीप्लाई नहीं होगी आपकी. ठीक है, सो लाइक एग्जाम्पल, इफ 4 raised to power 2 होल रेज टू पावर 3, देन वी कैन से 4 raised to power 3 into 2, और वी कैन से होल 4 raised to power 6. फोर्थ इसका है, इफ ए रेज टू पावर माइनस एम, तो इसे हम क्या लिखेंगे, अगर पावर माइनस में होगी तो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ए रेज टू पावर एम. ठीक है, लाइक एग्जाम्पल, इफ 2 raised to power minus 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 upon 2 raised to power 3, और इसे हम लिख सकते हैं 1 upon 8. ओके, तो फिफ्थ वन इज, अगर अनरूट में आपके पास पावर है, लाइक इस तरीके से अनरूट के अंदर जो बेस है और जो पावर है वो अनरूट से जस्ट बाहर है, तब आप इसे लिख सकते हो ए बेस सेम, और जो पावर होगी वो डिनोमिनेटर में और ऊपर वन आ जाएगा, 1 upon m. न्यूमरेटर के अंदर वन आएगा और डिनोमिनेटर में m आएगा, तो ए रेज टू पावर 1 upon m. लाइक इसका कैसे लिखेंगे, 64 3, तो 64 raised to power 1 upon 3, और वी कैन से 4. नेक्स्ट इज, अगर आपके पास कोई भी दो बेस ए एंड बी मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट में हो और उनकी पावर हो एम, तो आप इन्हें डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट करके लिख सकते हो, लाइक ए रेज टू पावर एम इन टू बी रेज टू पावर एम. ठीक है, लाइक इफ 2 into 3 raised to power 4 हो, तो आप इसे लिख सकते हो 2 raised to power 4 into 3 raised to power 4. क्लियर है कि 2 into 3 आपके पास है, इसकी पावर m है, जैसे 2 into 3 की पावर 4, तो आप 2 की पावर 4 into 3 की पावर 4. ओके, रिमेंबर दैट किसी की भी पावर 1 इट्सेल्फ वो ही नंबर रहता है, जैसे a रेज टू पावर 1 है तो वो a ही रहेगा, लाइक इफ 4 raised to power 1 तो उसकी वैल्यू हमेशा 4 रहेगी. 8, अगर जो आपके पास नंबर हो डिवीजन में हो ए बाय बी और उसकी पावर एन हो, तो हम इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है प्रोडक्ट था तो इनकी ऊपर इंडिविजुअली वो अप्लाई हो गया, ये डिवीजन में है तो ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय बी रेज टू पावर एन. इस तरीके से जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, जैसे 3/4 raised to power 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 raised to power 2/4 raised to power 2, या फिर 9/16. नाइन्थ है, किसी भी नंबर की पावर 0 = 1 होता है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है, सो वी कैन से 3 raised to power 0 = 1, 9 raised to power 0 = 1, 11 raised to power 0 = 1, कुछ भी अगर लेंगे. तो फिर दोबारा से देख लेते हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस, अगर पावर बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो बेस सेम रहेगा पावर ऐड हो जाएगी, एग्जाम्पल उसका ये रहा. अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है और डिनोमिनेटर में है वो तो नेगेटिव हो जाएगा, उसका एग्जांपल ये रहा. अगर पावर ए रेज टू पावर एम होल रेज टू पावर एन है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर ए रेज टू पावर एम एन. अगर पावर नेगेटिव के अंदर है ए रेज टू पावर माइनस एम, तो वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव बन जाएगा. इस तरीके से अगर जो आपके पास अंडर रूट दिया हुआ है उसके अंदर बेस है और जो पावर है वो जस्ट अंडर रूट के बाहर है, तो वो ए रेज टू पावर पावर जो है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी. अगर दो नंबर्स प्रोडक्ट में है उसकी पावर एम है, तो आप उसे इंडिविजुअली सेपरेट करके लिख सकते हो ए रेज टू पावर एम एंड बी रेज टू पावर एम. अगर ए रेज टू पावर वन वन है उसकी पावर, तो वो ऑलवेज इटसेल्फ नंबर रहता है ए, जैसे 4 raised to power 1 4. अगर दो नंबर है आपके पास ए और बी, उनकी पावर एन है, तो ए रेज टू पावर एन अपॉन बी रेज टू पावर एन. इस तरीके से आप देख सकते हो, और किसी भी नंबर की पावर 0 ऑलवेज बन रहता है. सो देर आर सम रूल्स, रूल हैं कुछ जो अभी इस रूल में पढ़े थे उन्हीं को थोड़ा सा एलेबरेट किया है.
when the base of two equal numbers are equal, then their powers also be equal. Like अगर मैं बात करूँ example की बात करते हैं, जैसे कि if 2^n is equal to 2^3, इसका मतलब क्या हुआ, when the base of two equal numbers, ये दोनों number equal हैं, 2^n किसके equal है, 2^3 के, so 2^n 2^3 के equal है, as well as इनका base भी क्या है, बेस भी इक्वल है, एंड बेस क्या है यहाँ पे 2, बेस भी क्या है इक्वल बेस है, सो व्हेन द बेस ऑफ टू इक्वल नंबर्स आर इक्वल देन देयर पावर्स आल्सो विल बी इक्वल, तो पावर्स विल बी इक्वल, पावर्स क्या हो जाएगी इनकी इक्वल हो जाएगी, तो पावर क्या है n, वो किसके इक्वल रहेगी 3 के, इस तरीके से. जैसे एक और एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें, 5^n+9 is equal to 25^n+3. What is value of n? अब n की वैल्यू क्या रहेगी, अब कैसे सॉल्व करेंगे. अब इसे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका बेस इसके इक्वल करना पड़ेगा. जैसे 5^n+9 है, इसका 25 का बेस 5 करने के लिए हम क्या करेंगे, 5^n+3. अब ये कौन सा फंडा आ गया अपने पास, यहाँ पे ये आ गया कि a^m^n, तो हम इसे a^mn इस फंडा इस तरीके से लिख सकते हैं. तो 5^n+9 इज इक्वल टू 5^2 को मल्टीप्लाई कर देंगे n+3 से, जैसे m को मल्टीप्लाई किया n से, वैसे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे n+3 से. अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ n+3 से, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 2n+6. 2 × n = 2n, 2 × 3 = 6. अगर बेस सेम है 5 and 5, तब रूल फर्स्ट इज एप्लीकेबल हेयर. इफ बेस इज सेम 5 and 5, देन वी कैन से द पावर ऑल्सो विल बी इक्वल. सो पावर ऑफ फर्स्ट नंबर इज n+9 एंड पावर ऑफ सेकेंड नंबर इज 2n+6. अब ये जो टर्म है, ये टर्म पूरी अगर हम यहाँ पे लेके जाएं, और या फिर जो वेरिएबल है, जैसे n वेरिएबल, वो राइट हैंड साइड में, और जो कांस्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में, देन 9 - 6 इज इक्वल टू 2n - 9, और वी कैन से n इज इक्वल टू 3. ओके, सो द सेकंड रूल इज व्हेन द पावर ऑफ टू इक्वल नंबर्स आर इक्वल देन देयर आर टू केसेस. अगर पावर जो है वो इक्वल रहेगी, तब इसमें दो केसेस होते हैं. इफ द पावर is an odd number, then the bases are equal. For example, like अगर power जो है वो odd number रहेगी, तो base equal रहेंगे. जैसे a^3 is equal to 4^3. इसमें क्या है, power equal है, और वो क्या है, power odd. पावर इक्वल है और पावर क्या है, ओड है. तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि ए शुड बी इक्वल टू 4. बेस क्या रह जाएगा, बेस विल बी इक्वल. सो सेकंड केस इज दैट इफ द पावर ऑफ पावर इज एन ओड नंबर देन द बेस आर इक्वल. ओके, इफ द पावर आर इवन नंबर, अगर पावर जो है वो इवन नंबर है, देन द बेस आर न्यूमेरिकली इक्वल बट कैन हैव डिफरेंट साइन. अगर ये इवन है, देन द बेस आर न्यूमेरिकली इक्वल बट कैन हैव डिफरेंट साइन. इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमेरिकली वैल्यू तो उसकी 4 रहेगी, बट उसका साइन जो है वो साइन डिफरेंट हो जाएगा. किस तरीके से, देखो यहाँ पे, लाइक अगर मैं बात करूँ एग्जांपल, a^4 = 3^4, तब a की वैल्यू +3 भी हो सकती है, a की वैल्यू -3 भी हो सकती है. वाई, बिकॉज माइनस का जब हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तब वो ऑलवेज क्या रहता है,
पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल, अगर सपोज करो मैंने -3 का स्क्वायर किया तो उसकी वैल्यू हमेशा 9 आएगी। क्यों? क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। तो अगर आपके पास इवन नंबर है जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से, तो अगर आप माइनस का स्क्वायर करते हो या माइनस की 4 पावर करते हो या माइनस की पावर 6 करते हो या माइनस की पावर 8 और इस तरीके से इवन नंबर रखते हो आप माइनस का, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। लाइक अगर मैं बोलूँ कि माइनस और इवन हो तो आपके पास रिज़ल्ट ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब, जैसे अगर मैंने लिखा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ 9, और अंडर रूट ऑफ 9 का मतलब है प्लस भी माइनस भी 3, प्लस माइनस 3, इनमें से कुछ भी आ सकता है, प्लस 3 भी आ सकता है, माइनस 3 भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि प्लस 3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो 9 आता है, और माइनस 3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो भी 9 आएगा। इस वजह से, तो रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपकी पावर सेम है और वो ऑड है तब तो आपकी जो बेस होगा वो सेम होगा। अगर आपकी पावर सेम है और इवन है तब जो बेस है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली जो इंडाइसेस होती है प्रॉब्लम्स, उसे हम डिफरेंट डिफरेंट वे के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट वे इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफाई द गिवन क्वेश्चन, सो द इंडिविजुअल नंबर कैन बी रिटन एज द फॉलोज, लाइक 216 को क्या लिख सकता हूँ मैं, दैट इज 6³। याद रखना, आप कोई भी अगर कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्यूब 20 तक क्यूब्स पता होने चाहिए। लाइक 6³ इज 216, तो ये आपको पता होने चाहिए। 64, सबसे पहला जो फंडा है वो यही है कि आप इन्हें सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करके इंडिविजुअल नंबर्स को इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, उसका भी मैं एक मेथड बताता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक है। वो ये है कि डिनोमिनेटर में जो देखना, डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर क्या है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो जो डिनोमिनेटर में होगा आपको उसी फ्रैक्शन के अंदर उसे इंडिविजुअल्स नंबर्स को लिखना है। अब डिनोमिनेटर में 4 है तो देखना मैं इसे 4 की फॉर्म में लिखूंगा, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड का है। ओके, सो 64 किसका क्यूब होता है? 4 क्यूब। 256 किसकी पावर 4 होता है? 256, 4 की पावर 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था 4, तो अब हमने क्या लिखा, 4 की पावर 4, 256। और 81 किसकी पावर 4 होता है? 3 की पावर 4। और 16, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, 16 को अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, कहोगे सर आपने तो लिखा ही नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ था ही नहीं, तो उसका एक रीज़न है हमारे पास। क्या है कि 16 को हम उसके बेसिक फ्रैक्शन के अंदर तोड़ेंगे। जैसे 16 का बेसिक फ्रैक्शन 2 है या फिर 4 है, तो हम 4 के अंदर लिख देते हैं 16 को, 4² इस तरीके से इंडिविजुअली लिखना है। समझ में आ गया ये स्टेप? ओके, अब उसके बाद इसे सॉल्व करना है इंडिविजुअली। जैसे हम अगर इस फंक्शन को पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 216 डिवाइड बाय 64 की पावर -2/3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 216 को क्या लिखा हमने? 6 की पावर 3 की पावर -2/3 डिवाइड बाय 4, इसको क्या लिखा हमने 64 को? 4 की पावर 3 -2/3। ओके, नाउ ये जो फंडा होता है ये होता है a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m n, पावर्स मल्टीप्लाई होती है। तो अगर पावर्स मल्टीप्लाई करते हैं देन 3 से 3 कैंसिल, फिर 3 से 3 कैंसिल, वी विल गेट 6 रेज टू पावर -2 डिवाइड बाय 4 रेज टू पावर -2, ठीक है। अब ये कौन सा फंडा आ गया यहाँ पे? यहाँ पे ये फंडा आ गया, इफ़ a रेज टू पावर -m देन वी कैन से 1 अपॉन a रेज टू पावर m। तो 6 रेज टू पावर -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन 6 रेज टू पावर 2, और 4 रेज टू पावर -2 को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन 4 रेज टू पावर 2, इस तरीके से। तो हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया फर्स्ट वाले का। अब सेकेंड वाले को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखते हैं। 256 अपॉन 81 की पावर 1/4, तो 256 को अगर मैंने लिखा इंडिविजुअल में, तो 4 रेज टू पावर 4 1/4 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर 4 1/4 इज इक्वल टू, अब अगेन वही a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n देन a रेज टू पावर m n मल्टीप्लाई करेंगे देन 4 से 4 कैंसिल वी विल गेट 4, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 कैंसिल वी विल गेट 3। अब नेक्स्ट हमारा है थर्ड वन,
ये भी हमारा हो गया। अब थर्ड वन क्या है हमारा, 16/216। तो 16/216 माइनस वन, इसे अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 रेज टू पावर 2 अपॉन 6 रेज टू पावर 3 की पावर माइनस वन। अब माइनस वन है इसका मतलब डिवाइड में आप लेके जाओगे तो वो प्लस हो जाएगा। याद रखना कभी भी पावर माइनस में हो तो उसे उल्टा कर दो, ये सिंपल सा वे, उसे उल्टा करके प्लस कर दो। तो उल्टा कर दो तो 6 की पावर 3 4 की पावर 2। तो 6 4 6 4 6 4 के अंदर हमने इंडिविजुअली इसको चेंज कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो फंडा, ये जो हमारे पास जो नंबर है, इसे हमने क्या लिखा था, 4 रेज टू पावर 2 अपॉन 6 रेज टू पावर 2, ये था इसका इंटू मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 इसका क्या था, 2 5 6 81 का 4 अपॉन 3, वेरी गुड। डिवाइड बाय ये था ना, तो डिवाइड बाय ये था, इसका मतलब हम इसे क्या लिखेंगे, ये जो नंबर है डिवाइड, कभी भी किसी नंबर को आपको करना हो तो डिवीजन करना हो तो उसको उल्टा करके लिख दो। जैसे ये है, अब ये दोनों थे, इन दोनों नंबर को तो हमने क्या किया था, प्रोडक्ट किया था, प्रोडक्ट किया था तो एज इट इज़ लिखा था, लाइक 216/64 की पावर -2/3 का जो सिंप्लीफिकेशन था वो 4 रेज टू पावर 2 अपॉन 6 रेज टू पावर 2 था। तो इसे हमने एज इट इज़ लिखा, फिर प्रोडक्ट था तो प्रोडक्ट का साइन लगाया हमने, फिर 256/81 की पावर 1/4 को जब वैल्यू थी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वो 4/3 थी, तो हमने एज इट इज़ 4/3। नाउ जो 16/216 की पावर -1, इसे हमने सॉल्व किया सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया 6 रेज टू पावर 3 अपॉन 4 रेज टू पावर 2। और डिवाइड में, अगर डिवाइड में होगा तो उस केस में उसका क्या करेंगे, हम उल्टा करके लिखेंगे। तो 6 रेज टू पावर 3 अपॉन 4 रेज टू पावर 2 को क्या लिखेंगे, 4 रेज टू पावर 2 अपॉन 6 रेज टू पावर 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब तो ये तीनों प्रोडक्ट में है, अब आपको पता है कि अगर नंबर्स प्रोडक्ट में हो, पावर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे बेस क्या है, न्यूमिनेटर में 4 है और प्रोडक्ट में, तो पावर ऐड हो जाएगी 2 + 2 डिवाइड बाय नीचे 6, जो बेस है वो सेम है, पावर 3 + 2 × 3। तो 4 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 6 रेज टू पावर 5 × 3, ठीक है। अब आप इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, 4 रेज टू पावर 4 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 रेज टू पावर 2 × 4। 4 को मैंने 2 रेज टू पावर 2 लिख दिया और 6 को मैंने लिख दिया 2 रेज टू पावर 5 × ये देखो, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, चलो ठीक है, फिर वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे लिखा है डायरेक्ट। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 रेज टू पावर 5 × 3। तो अब ये 2 की पावर कितना हो गया, 2 रेज टू पावर 8, एंड डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 5, ठीक है, इंटू 3 रेज टू पावर 5, ठीक है, इंटू 3 हुआ या नहीं हुआ, ओके। तो इस तरीके से हमने इसे और एलिब्रेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। जैसे ये जो हमारे पास 2 2 2 एंड 2 2 प्लस 2, अच्छा ये यहाँ पे 5 प्लस 1 5, क्योंकि 1 भी है यहाँ पे, तो ये इसकी पावर 5, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 रेज टू पावर 10 न्यूमिनेटर में, 2 रेज टू पावर 5 डिनोमिनेटर में, और मैंने बताया था कि अगर आपके पास a^m / a^n हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या है, माइनस हो जाती है, बेस वही रहता है, तो पावर वही रहेगी, 10 - 5 5, और डिनोमिनेटर में 3 रेज टू पावर 5 एंड 3 रेज टू पावर 1 कितना हो गया, पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 रेज टू पावर 6। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5 की वैल्यू होती है 32, 3 रेज टू पावर 6 = 729, दैट इज़ द आंसर। समझ में आया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे और ज़्यादा क्वेश्चंस की, आपको जो क्वेश्चंस है इस पे बेस वो www.quantumpty.com पे मिल जाएंगे, आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इजीली इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो सॉल्विंग फॉर द वैल्यूज ऑफ एन अननोन, इंडाइसेस का यूज़ कहाँ पे होता है, थ्रू सॉल्विंग फॉर द वैल्यू ऑफ एन अननोन, अननोन की वैल्यू सॉल्व करने के लिए हम इंडाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशंस अपने पास गिवन है, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, ओके, मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास इस तरीके से कोई भी नंबर हो तो आप बेस को ऐसे लिखोगे, फिर अंडर रूट के बाहर जो पावर है उसे डिनोमिनेटर में लिख दोगे, a^1/m या a^1/m। तो जैसे अब मैंने इसे लिखा तो 3/2
रेज टू पावर एक्स बाय एक्स प्लस टू। अब ये जो 1/3 है आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि अंडररूट के बाद जो पावर आप 1/m की फॉर्म में लिख सकते हो, और वो मैंने लिखा x प्लस टू डिवाइड बाय 3। इज दैट क्लियर? ओके। और 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 2 और 3 के, अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि इन्हें कैसे सिंप्लीफाई करना है? तो हमारे पास राइट हैंड साइड में जो फंक्शंस है, जो नंबर है, डिजिट है, वो 2 और 3 है। तो 2 और 3 के फ्रैक्शन में इन्हें अब हमें सिंप्लीफाई करना है। जैसे 64 को 2 की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2 रेज टू पावर 6। 729 को 3 की फॉर्म में 3 रेज टू पावर 6। ओके, या मैं इन्हें कंबाइन करके लिखना चाहूँ, देन 2/3 रेज टू पावर 6, इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2/3 रेज टू पावर 6। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि मुझे क्या करना है? हमेशा याद रखना, बेस को इक्वल करना है। अगर इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आए ना, तो नंबर ऑब्वियसली जो बेस इक्वल एंड नंबर इक्वल, ये कौन सा रूल है? यस टेल मी फास्ट। ये रूल नंबर 2 है। मैंने रूल नंबर 2 अगर आपको बताया था, याद हो तो बेस इक्वल और नंबर इक्वल। तो नंबर तो इक्वल है डेफिनेटली, ये और ये दोनों नंबर इक्वल है, पर बेस कैसे इक्वल होगा सर? बेस ऐसे इक्वल होगा, 3/2 एक्स प्लस 2/3, ये तो है ही। आप इसको 3/2 लिख सकते हो। कैसे लिखोगे 3/2? पावर को माइनस बना के। जब कभी भी आपको जो डिजिट्स है वो रिवर्स करनी हो, जैसे 2/3 की 3/2 कर दियो, तो पावर को नेगेटिव बना दो। ठीक है, अब देखो, अब रूल हमारा ये एप्लीकेबल है यहाँ पे। नंबर इक्वल, बेस भी इक्वल। नंबर 3/2, 3/2 इक्वल, बेस भी इक्वल। तब हम क्या लिख सकते हैं? नंबर इक्वल है देखो, और बेस भी इक्वल है, देन पावर विल ऑल्सो भी इक्वल। सो एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 18, एक्स इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 2, और एक्स इज इक्वल टू माइनस 20। सो इफ बेस इक्वल, नंबर इक्वल, देन पावर will be equal। ठीक है, so that's all about the indices। इसके ऊपर further जो high level की problems है, जो more rules है, वो next class में करेंगे। so stay tuned at quantapti.com and subscribe our YouTube channel quantapti for more videos on SSC CGL, Airport Authority of India, ATC, AO, IT and Electrical, and BSNL junior engineer, junior telecom officer, and employability assessment test, ELITMUS, MCAT, IBM, TCS. And if you have any queries, then write us at ftquant@gmail.com. if you want to join the target course for SSC CGL, then write us at ftquant@gmail.com. thank you for watching this video. All the very best for your exams.